पिछले कुछ समय से कियारा आडवाणी एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। कहा जा रहा था कि दोनों के बीच प्यार खत्म हो गया है और रिलेशनशिप को खत्म करना ही उन्होंने बेहतर समझा, लेकिन बाद में दोनों के बीच दोबारा बढ़ती नजदीकियों से फैंस कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। आजकल कियारा आडवाणी अपनी आगामी फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन में व्यस्त चल रही है, लगातार मीडिया इंटरव्यू दे रही है। इसी बीच कियारा ने सिद्धार्थ मल्होत्रा संग अपने ब्रेकअप पर चुप्पी तोड़ते हुए कि कियारा आडवाणी का कहना है कि पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों से उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इंडिया टुडे संग बातचीत में कियारा आडवाणी ने कहा, मैं इन पर कोशिश करती हूँ कि ज्यादा ध्यान न दो, खासकर तब जब वो बात मेरी पर्सनल लाइफ से जुड़ी होती है। प्रोफेशनल फ्रंट पर मैंने कभी इस तरह की बातों को फेस नहीं किया है, न ही मेरे परिवारों पर बातें आई हैं, लेकिन जब दो चीजों को मिलाकर पर्सनल लाइफ की अफवाहें उड़ाई जाती हैं तो मुझे खराब लगता है और मैं सोचती हूँ कि आखिर चीजें आ कहां से रही हैं। कियारा आडवाणी आगे कहती हैं कि दिन के आखिर में आपका काम देखा जाता है, ऐसे में आप सोचते हैं कि काम के अलावा आपकी लाइफ से जुड़ी बाकी चीजें ना सामने आए, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सभी को ही मोटी स्किन डेवलप करनी चाहिए, अंधे हो जाना चाहिए, जिससे हमें इन बातों से फर्क ना पड़े। आप जितना रिएक्ट करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा, ये खत्म ही नहीं होगा। ये सोर्स कौन है जो इतना मिर्च मसाला लगा कर चीजें बोलता है? रणवीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त अभिनीत फिल्म शमशेरा साल 2022 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। दर्शकों के बीच इसका क्रेज देखते हुए हाल ही में मेकर्स ने इसका टीजर जारी कर दिया था। वहीं कथित रूप से शमशेरा से रणवीर कपूर का लुक भी सामने आया है। इस पोस्टर में रणवीर कपूर काफी खौफनाक नजर आ रहे हैं। बता दें कि आधारित तौर पर फिल्म का पोस्टर नहीं जारी किया गया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि फिल्म का पोस्टर रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया। हालांकि संभावना यह भी बताई जा रही है कि यह आधिकारिक पोस्टर ना होकर एक फैन मेड पोस्टर भी हो सकता है। गौरतलब ये भी है कि यह फिल्म 22 जुलाई को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ इस पोस्टर को देखकर रणवीर कपूर की तारीफ कर रहे हैं तो वहीं कुछ रणवीर कपूर की तुलना थॉर द लव एंड थंडर से कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट के साथ साथ टीजर भी जारी कर दिया। लगभग एक मिनट के मोनोक्रोमेटिक टीजर में तीनों अभिनेताओं को हथियार से घिरे एक मंद रोशनी वाले स्थान के केंद्र में बैठे हुए दिखाया गया है। इस टीजर में संजय दत्त हिंदी में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि यह कहानी उसी की है जिसने कहा कि किसी की गुलामी अच्छी नहीं, न दूसरों की, न हमारे करीबियों की। वहीं वाणी कपूर आगे कहती हैं, यह कहानी उसी की है जिसने अपने पिता की विरासत में आजादी का सपना देखा था। फिर हमें रणवीर कपूर की एक झलक देखने को मिलती है जो कहते हैं, लेकिन कोई भी आपको स्वतंत्रता नहीं देता है, आपको इसे जीतना होगा। कर्म से डकैत, धर्म से आजाद, शमशेरा। हालांकि फिल्म की कहानी के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पहले की रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यह स्वतंत्रता पूर्व भारत के डकैतों की कहानी पर आधारित है, जो टीजर देखने के बाद सच प्रतीत होता है। करण मल्होत्रा द्वारा निर्देशित फिल्म को एक पीरियडिक एक्शन ड्रामा फिल्म के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें जाहिर तौर पर रणवीर को बाप और बेटे दोनों के रूप में दोहरी भूमिका निभाते हुए देखा जाएगा। फिल्म में आशुतोष राणा, सौरभ शुक्ला और रोनित रॉय भी हैं। करण जौहर के बच्चे अक्सर उन्हें ट्रोल करते नजर आते हैं। करण अपने बच्चों से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और ये वही लोग हैं जो सबसे ज्यादा करण जौहर की टांग खींचते हैं। इंस्टाग्राम पर कई बार करण ने अपने बेटे यश और बेटी रूही की मजेदार वीडियो शेयर की है। अब एक नई वीडियो में यश जौहर पिता करण जौहर के पाउट की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बेहद फनी है। वीडियो में करण और यश बात कर रहे हैं। यश कह रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है। इस पर करण पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद नहीं है। नन्हे यश अपनी क्यूट सी आवाज में कहते हैं कि मुझे नहीं पसंद पापा का ये पोज। फिर वह पापा करण का आइकॉनिक पोज बनाते हैं। बेटे को देखकर करण जौहर की हंसी छूट जाती है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, मुझे पाउट शेम किया गया है। डू लाइक दैट, व्हाट यू नॉट लाइक, व्हाट यू नॉट लाइक, आई डू लाइक दादा डूइंग दिस काइंड ऑफ पोज। करण और यश के इस बेहद मजेदार वीडियो पर कई सेलेब्स और फैंस के रिएक्शन भी आए हैं। श्वेता बच्चन, नंदा, अदिति राव हैदरी, सोफी चौधरी, हुमा कुरैशी और सुहेल खान की एक सीमा सजदेह वीडियो को देखने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। सभी ने ढेरों लाफिंग इमोजी कमेंट सेक्शन में शेयर किया है। यूजर्स भी यश की बात मानकर करण की चुटकी लेने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपके घर में ही क्रिटिक है, छोटा यश बहुत क्यूट है।
दूसरे यूजर ने लिखा, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही, यश ने करण के सिग्नेचर पाउट पर बोल दिया। कभी भी आपके बच्चे आपसे ही मजे ले सकते हैं, हमारे बच्चे सारी बातें मुंह पर बोल देते हैं, कुछ यूजर्स ने यश को समझदार और क्यूट बताया है। एक यूजर ने तो करण से यश की बात को मानने के लिए भी कह दिया। जौहर को अक्सर अपने फोटो शूट और सेल्फी में पाउट करते हुए देखा गया है, ये उनका सिग्नेचर पोज है जो उन्हें काफी पसंद है। कई फैंस को उनके इस पोज से प्यार है, उन्होंने प्रोड्यूसर को कॉपी भी किया है, लेकिन अब लगता है कि उन्हें नन्हे यश जौहर की बात भी सुननी पड़ेगी। और गाइस, मैं आप सबके लिए छाता, रेनकोट और टाइयर लाएंगी। क्या बात है, थैंक यू मैम। उर्वी जी बेटा, उर्वी जी रुको नहीं, मस्त हो रहा है। उर्वी जी, वहां से आप कैसे? सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद हर रोज दो ड्रेस बदलती हैं, अपने बिंदास अंदाज और दिलकश अदाओं के लिए दूर दूर तक जानी जाती हैं। फैशन सेंस का तो क्या कहना, उर्फी जावेद इस मामले में हमेशा अपने फैंस को सरप्राइज देती रहती हैं। प्लास्टिक से लेकर सेफ्टी पिन और फूल तक उर्फी जावेद अपनी ड्रेस बना सकती हैं। कहना पड़ेगा कि उर्फी जावेद काफी क्रिएटिव हैं। उर्फी जावेद का मानना है कि वह अपनी ड्रेस दुनिया की किसी भी चीज से बना सकती हैं। हर ड्रेस में एक्ट्रेस के हर बरसाती नजर आती हैं, लेकिन इस बार जो उर्फी जावेद ने बनाया है उसके बारे में शायद ही लोग इमेजिन कर पाएंगे। फॉइल पेपर को हम किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए, खाना पैक करने के लिए या फिर किसी चीज को रैप करने के लिए, है ना? लेकिन उर्फी जावेद ने इसका इस्तेमाल ड्रेस बनाने के लिए कर डाला है। आपने एकदम सही सुना, उर्फी जावेद ने फॉइल पेपर से अपनी ड्रेस तैयार की है। डिटेलिंग की बात करें तो उन्होंने बनाई है जिसे नेट के ट्रांसपेरेंट कपड़े से जोड़ा है, पीछे गोटा लगाया गया है जिसे उसे खूबसूरत लुक दिया जा सके। वहीं स्कर्ट को उर्फी जावेद ने फॉइल पेपर से सिंपल तरीके से बनाया है। इस फैशन को अलग लुक देते हुए उर्फी जावेद ने पाउडर पर्पल कलर का ओवरसाइज कोट कैरी किया है। वहीं सिल्वर हील्स और बालों को बांधकर पोनी टेल रखा है। न्यूड मेकअप और पर्पल नेल पेंट से अपने सपोर्टिंग अ चाइल्ड मीन लुक को कंप्लीट किया है। केवल कानों में हुप्स पहने हैं, वे भी ड्रेस से मैचिंग है। मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर उर्फी जावेद नजर आई। उर्फी जावेद अपने साथ पेपराजी का भी ख्याल रखती हैं। इंसानियत रखते हुए उर्फी जावेद सभी पेपराजी के लिए छाता बरसाती और मिठाइयाँ लेकर आई हैं। मुंबई में ये बारिश का मौसम है, ऐसे में उर्फी जावेद ने पेपराजी का ख्याल रखते हुए उन्हें ये गिफ्ट दिया है। उर्फी जावेद को अक्सर पेपराजी के साथ खुलकर बात करते हुए देखा गया है। एक्ट्रेस का मानना है कि वह चाहे जितनी ही पॉपुलर हो जाए, वो जुड़ी तो जमीन से ही रहेंगी। कहना पड़ेगा उर्फी जावेद की सोच काफी अच्छी है।